खबरों की शुरुआत करते हैं किशनगंज से, जहां किशनगंज जिले में कहीं भूमिहीन तो कहीं भवनहीन विद्यालय देखने को मिला। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के 40 बच्चों पर एक शिक्षक का फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं ताक पर रखा हुआ है। बताते चले कि पोठिया प्रखंड के कोलथा पंचायत अंतर्गत नया प्राथमिक विद्यालय बड़ई टोला में नामांकित बच्चे केवल 53 है, जिसमे 2 शिक्षक कार्यरत है। तो वही जांगीरपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय महेश मारा में नामांकित बच्चों की संख्या 237 है, जिसमें मात्र एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के सिस्टम पर सवाल उठना लाजिमी है। कहीं पेड़ के नीचे तो कहीं समुदाय भवन में चल रहे हैं ये विद्यालय। शिक्षा विभाग में शिक्षकों का दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। ये स्कूल है हमारा NPS बरही टोला, इसमें तकरीबन 53 बच्चे का नामांकन जी। ये स्कूल तकरीबन 2012 से यहाँ स्थापित है, उस समय से अभी तक ये भूमिहीन भी है और भवनहीन भी, जिसके वजह से यहाँ काफी बच्चों की संख्या तादाद में बहुत कम आते हैं, क्योंकि बैठने में काफी तकलीफ होती है। अभी सूखा का मौसम है तो कहीं भी बैठ जाते हैं बच्चे, लेकिन बरसात के मौसम में बच्चों को लेकर हम लोगों को सड़कों पर जाके बैठना पड़ता है। लोगों के आना जाना की वजह से हम लोगों को भी काफी तकलीफ होती है, बच्चों को भी। कभी कभी बच्चे से हम लोग डर लगता है कि किसी गाड़ी में वो एक्सीडेंट भी ना हो जाए। इस तरह से यहाँ बहुत परेशानी है बैठने का, क्योंकि भूमिहीन के साथ साथ ये भवनहीन भी है और कोई बैठने का साधन भी नहीं है यहाँ हम लोगों को, इसलिए काफी तकलीफ है यहाँ हम लोगों को। कितने बच्चे नामांकन जी? यहाँ 53 बच्चे तकरीबन नामांकन है। यहाँ 2 शिक्षक हैं हम लोग, हम यहाँ के सहायक शिक्षक हैं। यहाँ के जो प्रधान शिक्षक है वो अमरनाथ जी हैं, जो फिलहाल मूल्यांकन में। हाँ, मेरे योगदान जो है 2007 में हुए थे प्राथमिक विद्यालय महेश मारा। पहले मेरा विद्यालय स्टेडियम में चलता था, लग 4-5 साल तक हम स्टेडियम में चलाए। उसके बाद मेरे विद्यालय को जमीन नहीं उपलब्ध होने के कारण बहुत दिन तक स्टेडियम में चला। उसके बाद वहां से हम टेक कर दिया गया मेरे विद्यालय को। टेक कर देने के बाद विद्यालय 2013 में आगे आपको समुदाय भवन में, समुदाय भवन में आगे वहां पर विद्यालय मेरा चलने लगा। चलते 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 उस समय तो जमीन नहीं था, उसके बाद जमीन मेरा उपलब्ध हुआ। जमीन उपलब्ध होने के बाद भी मैं कोई तक भवन का अलॉटमेंट आया नहीं, भूमिहीन रह गया। जमीन तो उपलब्ध हुआ किंतु मेरे पास बिल्डिंग बना नहीं, और बच्चे को पढ़ाने लिखाने में बहुत सा दिक्कत होता है। एक टीचर होने के कारण बहुत सा कठिनाई उठाना पड़ता है। मेरे विद्यालय में नामांकन 237 बच्चा है, उसमें एक टीचर है। इसके बाद विभाग को हम बहुत जानकारी भी दिए, बीओ साहब को भी बोले कि सर मेरे विद्यालय में जो है, उससे पहले जो बीओ साहब थे उसको बोले कि मेरे विद्यालय में स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, बच्चा ज्यादा, एक टीचर को डिक्टेशन किया जाए, किंतु मेरी बात को जो है अभी तक इग्नोर करते आ रहे हैं। इससे हम बहुत सारा समस्या होता है, और एक टीचर होने के कारण बच्चे का अकाउंट खाता विभिन्न तरह का मीटिंग में काफी हमको झेलना पड़ता है। इस पर कोई भी विभागीय जो है कोई सुनवाई अभी तक नहीं कर रहा है। मेरे विद्यालय में बनाने में, उठने बैठने में बच्चे को बहुत सारी रिक्स है। जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी मेरे विद्यालय में अभी तक भवन का राशि दिया नहीं गया, न भवन का भी भवन बना। इससे बहुत सा